निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर आज हम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देना है मुख्यमंत्री जी के नाम। उसके अंदर हमने कई योजनाओं के अंदर गरीब तबके के लोगों को योजनाओं के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, पहले के लिए मिलता था वो योजना बंद कर दी गई है भाजपा सरकार ने, तो उसको चालू की जाए। एक 55,000 जो लड़की को मिलते थे उसके अंदर भी कई परेशानी आ रही है। अभी उसको ठेकेदार के साइन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तो कई परेशानियाँ उसके अंदर आ रही है। जनता को उसका भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक 30,000 रुपये BPL के उसके अंदर मिलते थे योजना के अंदर, यानी BPL के परिवार के मुखिया की मृत्यु के उपरांत उसको 30,000 रुपये का क्लेम मिला करता था। वो योजना बंद भाजपा सरकार के अंदर बंद कर दी थी। उसका हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को अवगत कराया कि इन योजनाओं का लाभ उन्हें अतिशीघ्र मिलना चाहिए, जिससे कि लाभान्वित हमारे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंदर सारे स्लम एरिया के अंदर सभी गरीब तबके के लोग रहते हैं और इन योजनाओं का लाभ से वंचित हैं। आज आप देखिए, राशन की दुकान पर अगर वहाँ उपभोक्ता जाता है तो उसके ऊपर मजदूर डायरी नहीं है। मजदूर डायरी के कारण वहाँ उसको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मजदूर डायरियाँ सारी बंद पड़ी हुई है, ठेकेदार के सील साइन करो, ये करो, 50 तरीके उसके अंदर फंडे डाल रखे हैं, उससे योजनाओं का लाभ से वंचित हो रहे हैं लोग। तो हम कलेक्टर साहब को ये बताना है कि इन योजनाओं को सरकार के द्वारा पूरी शुरू की गई है, मगर अजमेर के अंदर इसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, क्या कारण है कि इसके अंदर वंचित होने का। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासित किया कि मैं अतिशीघ्र इस योजना का लाभ जनता के अंदर, तुम्हारे अजमेर के अंदर उसको दिलवाने की कोशिश करूँगा। निर्मल कुमार भैरवाल, कोली समाज अध्यक्ष, पार्षद पति, वार्ड 34।